जय माता दी। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ प्रचंड वशीकरण का टोटका लेकर। जिस टोटके को करने के बाद आप जिस स्त्री को चाहते हैं या फिर जिस पुरुष को चाहते हैं उसको तुरंत अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे अचूक टोटके जो आपको यहाँ वहां भटकने से भी नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे अचूक टोटके आपको मैं बताती हूँ और आप अपने प्यार को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, बहुत छोटे टोटकों को कर कर प्राप्त कर पाते हैं। तो आज जो मैं टोटका आपको बताने जा रही हूँ वह टोटका बहुत ही सरल और आसान है। आपको इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान टोटका है और इसको करने के बाद असर उतना ही ज्यादा तेजी से होता है जितनी तेजी से आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ ये टोटका आपको करना किस तरीके से है। आपको इस टोटके को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपने बालों के इस्तेमाल से आप इस टोटके को करेंगे तो आप जिसे चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जिसको पाना चाहते हैं उसके बालों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो टोटका है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको आवश्यकता होगी तो अपने ही बालों की। तो बहुत आसान है ये टोटका आपके लिए। आपको सिर्फ अपने दो बाल लेने हैं। अपने बाल लेने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको उपाय रात को करना है और बहुत ही सावधानी से करना है। जब आप ये करें तो आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल अकेले में आपको ये टोटका करना होगा। जो आप अपने दो बाल लेंगे उन दोनों बालों में से एक बाल लीजिएगा, उसको अपने दाहिने हाथ में रखिएगा और मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ कि मंत्र है क्या। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कलिकुंड स्वामिनी नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और जो बाल सीधे हाथ में है उसको तकिए के नीचे सीधी तरफ रख देना है। इसी प्रकार दूसरा बाल उल्टे हाथ में लेना है और इसी मंत्र का उच्चारण 3 बार करना है और इस बाल को तकिए के नीचे उल्टी तरफ रख देना है। रात भर उसको तकिए के नीचे रख के आपको सो जाना है और सुबह उठने के बाद वो दोनों बाल उठाने हैं और जाकर आपको जिसे आप चाहते हैं उसके घर के बाहर फूंक मार देनी है। वो दोनों बाल उसके घर के बाहर गिरा देने हैं और घर के बाहर बाल गिराने से पहले आपको फिर इसी मंत्र का उच्चारण करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये टोटका कर रहे हो आपको कोई देख नहीं रहा हो, आपके आसपास कोई नहीं हो, ऐसा कर